नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते थे, जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक को डिस्कस करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स न्यूट्रिशंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशंस। इट इज़ डैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद ब खुद फूड नहीं बना पाता है, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डिपेंड ऑन अदर, और वो किसे, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड करता है भोजन के लिए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर में इंसान सभी आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, एनिमल्स है, ये हम क्या क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर हम निर्भर होते हैं फूड के लिए। जैसे फंजाई, फंजाई, ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया, ये सभी जो है ना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कैन बी प्रेफर इन थ्री वेज। इसको थ्री टाइप्स में हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द मोड इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट से ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डेट प्लांट मतलब डेट लीव से, स्टीम से, डेट एनिमल्स रोटेन ब्रेड से भी भोजन प्राप्त करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनाइज्ड आर नोन एज द सेप्रोफाइटिक, दीज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट बन देखते हैं दोस्तों, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, इट इज दैट द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड, अपना फूड जो है ना कि क्या करते हैं, दूसरे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, विदाउट उसे किलिंग किए हुए ऑब्टेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। पैरासाइटिक हार्म द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसके बॉडी को हार्म करता है। जैसे आपने सुना होगा अमरबेल, कसकुटा कहते हैं इसे, प्लाज्मोडियम एंड द राउंड वॉर्म्स, ये क्या होता है, हार्म करता है दोस्तों। और ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। और ये दूसरे जो है ना होस्ट ऑर्गेनिज्म का बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करता है। अब थर्ड वन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, इट मीन्स फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड। सॉलिड फूड मीन्स प्लांट और द अदर प्रोडक्ट, जैसे अमीबा, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब न्यूट्रिशंस इन प्लांट, प्लांट न्यूट्रिशंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में, अगर वो नहीं देखे तो उसे आप जाकर अच्छे से देखिए दोस्तों। और इस ये जो मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप सही मायने में पूछे तो ये आपके लिए 10th क्लास का ये सबसे ब्रह्मास्त्र है, समझिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इस सारा का सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, सिर्फ बस सिर्फ आप इस हमारे इस नोट्स को आप पढ़ते हैं तो। जैसे ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफ एंड सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन प्लांट जो ना अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटो मींस क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब पुट टुगेदर, मतलब प्रकाश को एक साथ रख के। सो द फोटोसिंथेसिस मीन पुटिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू प्रिपेयर फूड, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अर्थ से मिनरल्स वाटर्स लेते हैं, और फिर वो क्या करता है, अपना भोजन फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। द प्लांट यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, और कौन से एनर्जी की को यूज करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को, और उसमें इससे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन और वाटर को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं।
क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में। द प्रोसेस बाई विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई यूजिंग द सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आपको बेसिकली ये याद रखना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट क्या बनाता है, खुद ब खुद भोजन प्रिपेयर करता है, ओन फूड प्रिपेयर करता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो वाटर बाई यूजिंग द सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज रिलीज एज प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट। आइए दोस्तों इसका हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, ये इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिलेगा तो ये लाइट एनर्जी में को अगर इंक्लूड करके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट एनर्जी को इंक्लूड करते तो ये क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनता है, जैसे फ्रॉम द सन ग्लूकोज, और ये हाँ सन की प्रेजेंस में, सन से जो लाइट लेते हैं उससे जो है ना क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का रासायनिक केमिकल नेम है C6H12O6+CO2, ये ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ये कंप्लीट आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर इस इक्वेशन को आप लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जैसे वाटर है लाइट एनर्जी को जो है ना हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में क्या किया जो है ना, कहाँ से आया लाइट एनर्जी से क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि हम प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर कर लेता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है तो क्या देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। अब देखिए दोस्तों, हाउ प्लांट गेट ऑल द सब्सटेंस, सभी जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट कैसे प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एंटर करता है लीव्स में, किससे, टाइनी पोर्स से, एक छोटा सा पोर्स मीन्स छिद्र होता है दोस्तों, उससे स्टोमेटा कहते हैं, और प्रेजेंट अंडर द साइड ऑफ द लीव्स, और ये कहाँ होता है, पत्ते के पास, पत्ते में पाया जाता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, गेन करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब वाटर क्या होता है, इट एंटर्स द प्लांट थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, और वाटर कहाँ से एंटर होता है प्लांट में, वो रूट से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। बच्चों तो ये ऑस्मोसिस एक नंबर में पूछ लिया जाता है, जो आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो आपको बताना होगा व्हाट ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो प्लांट है वो जो वाटर को कंज्यूम करता है रूट से, और वो और जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और थर्ड वन इज सनलाइट, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल्स कहाँ पाया जाता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया दोस्तों, लीव्स में पाया जाता है, और ये हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड द कन्वर्ट इन टू द केमिकल एनर्जी। सन से क्या होते हैं, एब्जॉर्बिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ये किस ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को। रॉ मटेरियल, प्लांट टेक्स मटेरियल लाइक द नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम। रॉ मटेरियल जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम को क्या करता है, वो लेता है फ्रॉम द सॉइल से फॉर द बिल्डिंग देयर बॉडी, अपने बॉडी को, मतलब प्लांट मोटे होते हैं तो इसके लिए जो है ना क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम की जरूरत होती है, तो वो सॉइल से क्या करते हैं, गेन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या प्रोडक्ट होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस में,
द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज C6H12O6, इसे आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। द फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड द ग्लूकोज। जो फूड जो प्लांट में प्रिपेयर होता है सिंपल शुगर, और जो सिंपल शुगर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है ना टिश्यू की मदद से क्या करते हैं, हेल्प से वो फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को क्या करते हैं, पहुंचा पाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो बचा हुआ फूड होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। विच स्टोर्ड इन लीव्स, जो पत्ते में बचा रहता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो प्लांट है वो फूड को यूज कर लेता है, और उसका जो उसका स्टोर्ड फूड होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है। और ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द ग्लूकोज, द ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑफ प्लांट, दिस लिबरेटेड टू द सराउंडिंग्स बाय द डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा। और ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं जैसा कि स्टोमेटा के थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ऑक्सीजन गेन जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है प्लांट। नोट, ग्लूकोज इज सॉल्यूबल इन वाटर, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड्स के परीक्षा में। ग्लूकोज इज सॉल्यूबल किसमें है, वाटर में, जबकि स्टार्च इनसॉल्यूबल है, वो सॉल्यूबल नहीं है वाटर में। अब आते हैं दोस्तों स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा, द ग्रीन प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड विच एंटर इन टू द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिक सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड द स्टोमेटा। ग्रीन प्लांट टेक्स, जब ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जिस लोअर एपिडर्मिक सरफेस से, वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिक, वो क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है दोस्तों। गार्ड सेल क्या होता है दोस्तों, गार्ड सेल इच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई एयर पेयर ऑफ सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो इच स्टोमेटा जो है ना सराउंडेड किससे होता है, पेयर से, सेल से, पेयर ऑफ सेल से, जो क्या करता है गार्ड सेल जो है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल का मतलब होता है रक्षक सेल दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट ऑल द ऑर्गेनल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन क्लोरोफिल। जितने भी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। दस द फोटोसिंथेसिस अकर इन द ऑर्गेनल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, और प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस सेल्स। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ऑर्गेनल्स कहाँ होता है दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखिए दोस्तों न्यूट्रिशन इन एनिमल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।